तो फिर से हम लोग फाइनली स्पाइडरमैन के गेम पे आ ही गए। मतलब जितना भी घूम ले यार, हम लोगों का दिन स्पाइडरमैन पे ही खत्म होने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करना चाहता हूँ स्पाइडरमैन वेब ऑफ शैडोज में। और मुझे ये पता है कि यार आप में से बहुत सारे लोगों ने इस गेम को पहले ही कंप्लीट कर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने इस गेम को बिल्कुल भी नहीं खेला, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग मेनली इस गेम में वेनम से डील करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें मैं इस गेम को एकदम शॉर्ट वे में समझाना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि यार अचानक से एक दिन वेनम न्यूयॉर्क शहर में आ जाता है और वो अपने सिम्बियोइट को मल्टीप्लाई करने लग जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे सिम्बियोइट्स तैयार हो जाते हैं और वो सारे लोगों पे अटैक करने लग जाते हैं। और देखते ही देखते न्यूयॉर्क के सारे लोग भी वेनम के जैसे बन जाते हैं। तो बस यार ये पूरे गेम का यही एम है कि यार हम लोग वेनम को डिस्ट्रॉय कर दे और न्यूयॉर्क को फिर से ले आए उसके स्टेबल स्टेट में। तो मेनली हम लोग इस गेम में वेनम, या फिर तुम लोग इसको बोल दो सिम्बियोट, या फिर तुम लोग इसको बोल लो पैरासाइट, कुछ भी बोल सकते हो तुम लोग, हम लोग इन चीजों से ही डील करने वाले। तो क्यों ना इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ली जाए, ताकि तुम लोगों को ये तो पता चल जाए कि यार ये वेनम एक्चुअल में न्यूयॉर्क में आया क्यों, उसका मेन एम क्या है, और यार ये सब क्यों हो रहा है। मतलब कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से वेनम इतने दूर अपने प्लैनेट को छोड़ के एक ऐसी जगह आ जाए जहाँ पे यार उसका कोई है भी नहीं, और यहाँ पे वो सब कुछ केओस क्यों क्रिएट कर रहा है। अगर हमें ये समझ आ गया ना यार, तो स्टोरी को चार चांद लग जाने वाले हैं। ओके, तो जिसको अभी वेनम की पूरी स्टोरी समझनी है वो यहीं पे टिका रहे, और जिसको इसका गेम प्ले देखना है प्लीज आगे के टाइम स्टैम्प पे स्किप हो जाओ। तो यार ये सिम्बियोट्स एक्चुअली बने कैसे, ये जानना हमारे प्राइम इंपॉर्टेंस का नहीं है। हमारे दिमाग में ये मेन एक सवाल है कि यार इन लोग धरती पे क्या कर रहे हैं। तो ये समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले दो चीजें जाननी पड़ेगी सिम्बियोइट के बारे में, एक चीज है उसकी ताकत और एक चीज है उसकी कमजोरी। चलो फिर कमजोरी से शुरू करते हैं। तो इसकी कमजोरी है कि यार भले तुम्हें वेनम बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगता होगा, लेकिन अगर इसको एक परफेक्ट होस्ट नहीं मिला तो यार वेनम कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है समझाने के लिए, लेकिन ये जो सिम्बियोइट सूट है उसको एक जिंदा चीज चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए, और उसमें भी एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है कि यार अगर ये जिंदा चीज उस सिम्बियोइट को संभाल नहीं पाई तो भाई वो जिंदा चीज तो मरेगी मरेगी, और सिम्बियोइट को और एक होस्ट ढूंढना पड़ेगा उसके कंपैटिबल में। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, जब तक इसको ऐसा परफेक्ट होस्ट नहीं मिल जाता तब तक वेनम अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर सकता, और वो थोड़े ही देर में मर भी जाएगा। तो इनका सबसे पहला एम है कि यार इनको एक परफेक्ट होस्ट ढूंढना है। तो ये जो प्लैनेट है क्लिंतार, जिस पे वेनम और इसके बहुत सारे साथी रह रहे थे, उस पे इन लोगों ने अपने सिम्बियोइट को इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया कि यार और कोई होस्ट बचा ही नहीं उनको कैप्चर करने के लिए। और अभी उनके प्लैनेट पे ऐसे बहुत सारे सिम्बियोइट्स हैं जिसको होस्ट की जरूरत है, और उन लोग सारे मर रहे हैं। तो फिर इन लोगों ने वेनम को एक कॉमेट पे बिठाया और हमारे धरती पे भेज दिया, ये देखने के लिए कि यार यहाँ के जो होस्ट्स हैं वो हमारे लिए कॉम्पैटेबल है कि नहीं। और जैसे ही वेनम यहाँ पे आया वो तो भाई बावरा हो गया, क्योंकि यहाँ पे खाने की कमी नहीं और होस्ट तो भर भर के हैं, और अभी इसके ताकत को एक्सप्लेन करने का वक्त आ चुका है। तो जैसे ही ये सिम्बियोइट किसी ऐसे इंसान से जुड़ता है जिससे वो कॉम्पैटेबल हो, तो भाई तुम्हारे हाथ में अनलिमिटेड पावर की चाबी आ चुकी है, क्योंकि वेनम तुम्हारे सारे सेंसेस और तुम्हारी पावर को इतना ज्यादा मल्टीप्लाई कर देता है कि भाई तुम लोग ऑलमोस्ट इमॉर्टल हो जाते हो, और तुम्हें वो एक सेल्फ हीलिंग की भी एबिलिटी ग्रांट करता है जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडी होती है तुम्हारे लिए। लेकिन वेनम या फिर सिम्बियोइट, इनकी एक और एक कमजोरी है कि यार इन लोग आग और सेस्मिक वेव से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। तुम लोगों ने अगर स्पाइडरमैन 3 देखी रहेगी या फिर कार्नेज का कोई सीन देखा रहेगा तो तुम्हें यह बात बहुत ही इजीली समझ आ चुकी होगी। तो भाई इन शॉर्ट ये हुआ कि यार वेनम के जो प्लैनेट है उसके ऊपर होस्ट की बहुत ज्यादा कमी हो गई। तो उन लोगों ने वेनम को अर्थ पे भेज दिया देखने के लिए कि यार यहाँ के होस्ट हमारे लिए ठीक है कि नहीं। और जब वेनम यहाँ पे आया तो उसने देखा कि यार यहाँ के होस्ट तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो उसने ये सोचा कि अगर मैं ये प्लैनेट अपने आप से ही पूरा कैप्चर कर लूं तो उसके प्लैनेट के सिम्बियोइट्स तो बच ही जाएंगे, ऊपर से उन लोग इम्प्रेस भी हो जाएंगे। तो बस यार वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इस खतरनाक से मिशन को अंजाम देता है, और सिर्फ हमें वेनम को हराना और ये गेम खत्म हो जाएगा। और एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताना चाहता हूँ तुम्हें कि जब वेनम पहली बार धरती पे आया उसने सबसे पहले पीटर पार्कर को ही छुआ। अगर तुम लोगों ने स्पाइडरमैन 3 का स्टार्टिंग का पार्ट देखा होगा तो तुम्हें ये बात बहुत ही जल्दी समझ आ चुकी होगी। और मैंने बहुत ही ज्यादा बकबक कर दिए, तो अपन फटाफट से शुरू करते हैं स्पाइडरमैन वेब ऑफ शैडोज। तो बिना किसी देरी के लेट्स डू दिस। Thank you.
You have it, don't you? You know what that does to you. You know how it can change you. If that thing gets control over you, gutting is still an option. Got me? This city is going to be ours. Just wait and see. When this is said and done, who will the people remember as their savior? बहुत दिनों बाद एक और एक स्पाइडरमैन का गेम शुरू किया अपन ने, और ये जो तुमने अभी सीन देखा है एक्चुअली में एंडिंग का है। हम लोग अभी एंड में इस गेम के, जब वेनम ने पूरा शहर को अपने काबू में कर लिया, और लोग खुद ही देख सकते हो सारे लोग सिम्बियोट्स में बदल चुके हैं। मतलब ये फाइट के बाद हम लोग सीधा वेनम से लड़ने जाने वाले हैं, तो मतलब अब भी नहीं लड़ेंगे हम लोग, ये जस्ट उन लोग एक एंडिंग का प्रीव्यू दे रहे हैं कि यार हम लोग 3-4 घंटे बाद यहीं पे पहुंचने वाले हैं। तो बस बेसिक से कंट्रोल एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, और थोड़ी देर में स्टोरी भी शुरू हो जाएगी। और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा घटिया खेल रहा हूँ भाई। इन लोग अगर गुच्छे में आ गए ना, बहुत सही अटैक्स लेता है स्पाइडरमैन। ये लेट्स गो। चलो तो मैं इसका वेब्स भी छोड़ के दिखा देता हूँ। ओके, इन लोग मर ही गए, सॉरी। चलो तो मैं एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हम लोग पंचेस मार सकते हैं, हम लोग अटैक्स को डॉज कर सकते हैं, हम लोग वेब शूट कर सकते हैं, हम लोग किक मार सकते हैं, और हम लोग स्विंग कर सकते हैं। बस यही एक बेसिक कंट्रोल का ओवरव्यू जो स्पाइडरमैन कर सकता है इस गेम में, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है भाई। Eliminate the symbiotes. अरे इन लोगों ने इसका कॉम्बैट इतना सही बना दिया है ना, लेकिन अभी तो सिर्फ ये 2-3 कंट्रोल्स ही खुले हुए हैं। जब इसके सारे कॉम्बोज खुल जाएंगे तो भाई हम लोग ऐसे हवे में कलाबाजी खाता तो मारने वाले हैं उन लोगों को कि मज़े ही आ जाने वाले हैं तुम्हें। और ये चीज़ भी इसकी बहुत सही है, हम लोग अभी हवा में थोड़े करतब दिखाने वाले हैं। चलो भाई थोड़े सिम्बियोट्स को मारे दीवारों पे। हेलो मेरे दोस्तों, वो तो यहाँ पे मेरे दोस्त कहाँ पे घूम रहा है यार कोने में, आ जाओ थोड़ी मस्ती करें। ओ तो मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, अब इस बंदे को थोड़ा स्टाइल में बचाएंगे हम लोग, तुम लोग खुद ही देख लो। MJ का मतलब मैरी जेन होता है, इनके अगर किसी को पता नहीं है तो। Where's Cage and his search party? Oh? The civilian volunteers, Pretty Redhead, Armin Aghast. You are no help. That APC. We got vehicles inbound. MJ. लोग फिर से आ गए।
अरे हाँ, और एक चीज़ बताना भूल गया मैं कि अभी अगर तुम लोग बोर हो रहे हो उस गेम को देख के तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़े ही देर में यार वेनम हमसे लड़ने वाला है और उसका सिम्बियोट हम पे भी चिपक जाने वाला है, तो थोड़ा और इंतज़ार कर लो, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें वेट कर रही है। पहले इनको ले लें अपन, ओके। तो तुम्हारे सवाल का जवाब बिल्कुल सामने है, अगर तुम्हें ये पता करना है कि यार वेनम अपने आप को मल्टीप्लाई क्यों कर रहा था, तो वो ये चीज़ है, ये चीज़ अपने अंदर इंसानों को लेके उनको सिम्बियोट बना देती है, तो जो पॉड देख रहे हो तुम लोग, इस चीज़ को हमें डिस्ट्रॉय करना है, ये इतना आसान नहीं होने वाला। ये अटैक देखो हाँ तुम लोग, best play it cool, man. Is it really you this time? Come on, we gotta go. Look, I promise I won't use it again. You promise? We are way past that. We ain't got time for this. Oh no, get away. Get away! Come on! Don't do it. Just come with me. Jane. Peter. It started just like this. 4 days ago. Fighting to breathe. To survive. Harker. Hello, Venom. That morning, everything changed. थोड़ा ध्यान देना, स्टोरी यहाँ से शुरू हो गई है. I'm feeling hungry. No. Eddie. What? Venom, get ready for a world of pain. इससे बिल्कुल समझ जाता है कि सिम्बियोट किसी का सगा नहीं है, अगर उसको और एक स्ट्रांग होस्ट मिल गया तो भाई वो तुम्हें कभी भी छोड़ सकता है, क्योंकि उसका बेसिक एम है सर्वाइवल यार, उसको सर्वाइव करना है, उसको ये मतलब नहीं है कि यार उसको कुछ प्यार व्यार नहीं होता। और ये बंदे को हराने का बहुत ही ईजी तरीका है, यहाँ से कार्स उठाओ और फेंकते रहो उस पर, जो कार लग गई वो उसे डैमेज दे देगी, सिंपल सा बात है। मुझे बेसिकली यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ दो कार्स फेंकी और उसका ऑलमोस्ट 50% हेल्थ ख़त्म हो गया। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तुम्हें, हम लोग अपने नॉर्मल सूट और ये सूट में स्विच कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल तो नहीं कर सकता, थोड़े देर में बताऊँगा तुम्हें, पहले वेनम से निपट ले अपन। You dare to take the other from me? I will take the girl from you. हाँ भाई, हमेशा का तेरा यही डायलॉग होता है। कुछ भी हो जाए मतलब भाई, ये घूम फिर के सिर्फ मैरी जेन पे आता है और बोलता है मैं तेरी लड़की ले लूँगा और ये कर दूँगा और ये कर दूँगा। चलो भाई ख़त्म करें। When I talk to you. Peter? Mary Jane. Thank God. Is she okay? I got your birthday present. Thank you, Mary Jane. There's this loud noise and... Everything's fine. Let's go. You're gonna be fine. I love my present. उसने मेरे को मल्टीमीटर गिफ्ट किया है क्या? I love my present. उसके ऊपर वेवफॉर्म दिखी मुझे, इसलिए मैंने गेस किया है। और पीटर को और कुछ और कोई देगा भी क्यों? ओके, हाँ मैं ये चीज़ की बात कर रहा था, मैं तुम्हें हवा में चेंज करके दिखाऊंगा, दो मिनट रुक जाओ, अभी देखो। आ ये चीज़ करने में मज़ा ही अलग है यार।
और एक चीज़ की बहुत तारीफ करने की पड़ेगी मैरी जेन की कि यार हमेशा वही बंदी मुसीबत में पड़ती है। न्यूयॉर्क में पता नहीं कितने लाखों करोड़ों वो लड़कियाँ होंगी और उनमें से सिर्फ मुश्किल में पड़ना है तो मैरी जेन को, तो सल्यूट है उस लड़की को। मतलब मुश्किल आनी थी तो हमारे ही सर, तो इसके ऊपर बैठना यार। लेट्स गो। Peace! Get her inside! You! Stop those lunatics! Yeah, okay. अब यही रह गया था मेरे को सुनने के लिए। Alright, my boys, it's time for some action. Spider-Man, I'm in the middle of a gang war. Good times. MJ was getting her arm in a cast, and I was feeling lousy for not being by her side. But if she knew I was ignoring what was going on in the streets, she would have kicked me back out the door. उसके लात मारने में अलग ही मजा है और हम लोग इन बंदों को खींच भी सकते हैं इस तरीके से। और एक बंदा बाकी है, this was over too quickly. You're gonna pay for messing up my boy, spider freak. It's Cage. Mah man. Wasted. क्या एंट्री ली है मेरे दोस्त ने यार, बहुत ही सही। Now that was rude. पहला ऐसा गेम में जो शुरू होती है स्पाइडरमैन को एक पार्टनर दे देता है। ये भी सही है भाई। अभी फिलहाल ये वेनम सूट के सारे कॉम्बैट अपग्रेड नहीं किए अपन ने, इसलिए हम पीटर वाले सूट से ही चिपकेंगे क्योंकि इसमें कॉम्बैट मूव्स बहुत ज़्यादा हैं और वेनम में यार वो एक ही सिंगल मूव है तो उसको खेल खेल के मैं भी पक चुका हूँ। यहाँ पे दो बंदे बाकी हैं और तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो रेड वाला स्पाइडरमैन है ये कार्स उठा के फेंकता नहीं है। तो ये बंदा बिलीव करता है कि यार न्यूयॉर्क शहर को एकदम शांत रखे और कोई भी टाइप ऑफ वॉयलेंस ना करे। अपन ये ले लेते हैं सबसे पहले। चलो केज से बात करते हैं। So what brings you uptown, Spidey? I was coming to see about a friend in the emergency room when all these fine chaps came along. Good work shutting down the drive-by. It was nothing. I've been chasing these guys around all day. You see any more, you shut them down. I'll do what I can. Good. Look for me in the park later. तो मैंने अभी थोड़े से अपग्रेड्स किए मेरे रेड और ब्लैक सूट में। अभी थोड़े से क्राइम्स को रोकना और उसके बाद हम लोग केज से मिलने जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये ढूंढना है कि यार ये क्राइम हो कहाँ पे रहा है। वो अटैक देगा तुम लोगों ने, इसी अटैक की बात कर रहा था मैं। अभी तो सिर्फ मैंने एक ही अपग्रेड किया है इसका, और भी बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें अभी तक बिल्कुल पता नहीं है। चलो और चार क्राइम्स को रोक के मिलता हूँ, फिर अपन केज से बात करेंगे। और इस गेम में और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यार अगर तुम लोग गलती से भी कोई भी सिविलियन को ऐसे हर्ट कर देते हो तुम्हें इसे हॉस्पिटल में पहुंचाना ही होगा। मतलब ऐसा कंपलसरी तो नहीं है बट तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत पॉइंट्स के लिए कर लेते हैं। देयर यू गो मैम, आई होप यू रिकवर फास्ट।
चलो हम लोगों ने हमारे पांचों क्रिमिनल्स को तो डिफीट कर दिया है, अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे केज भाई से मिलने पार्क में। हेलो माय फ्रेंड। गुड जॉब स्पाइडी। Thanks to you, the gangs are thinking twice before having a shootout in the middle of the street. But we have to keep up the pressure. Tell me about these gangs. They are engaging in a number of activities dangerous to the community. Your unique skills could be perfect for stopping them. Hey Luke, what did you mean when you said I had unique skills? You have the potential to be a great fighter, but you need to use all your senses. Hey, I've got more sense than you. Excuse me? You know, my spider sense. One of these days, I'll think of something cooler to call it. But until then... Fine. Good. You got an extra sense. Now use it to its full potential. What do you mean exactly? You can see all your opponents before they see you. Figure out who you take out first. And I need that exact skill right now. What do you need? I've got an informant in serious danger. There's a hit about to go down, and I have no way to spot the shooter until it's too late. But you... I could use my spider sense as a sniper sense. Exactly. And you can bet there'll be more than one. Now I'll tell you where the informant is, and then you can stake it out. Okay, let's do this. Luke, you've been at this for a while now, trying to get these gangs to calm down, I mean. It's an ongoing job, Spidey. I had a piece working, and someone decided they were disrespected, and now they're trying to get revenge. That's just stupid. That's life, man. I grew up in a nice quiet corner of Queens. So you have no idea what I'm talking about. That's one way of saying it. Sure. These kids think they haven't got any currency beyond respect. They don't see any way out, and no future beyond what they can carve out for themselves. And their solution is to turn the city into a war zone? They don't think beyond today. That's why I'm out here, to show them there's another way. There's a future. Well, I've got your back, man. I want to help any way I can. There's some guys out here that need to get got. Knock some heads together, yeah? But most are just guys who've fallen in with the wrong crowd. And they just need to hear some kind words. चलो सब कुछ समझ आ चुका है मुझे कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं अभी। तो न्यूयॉर्क शहर में बहुत सारे गैंग वॉर्स हो रहे हैं और केज और मैंने ये डिसाइड किया है कि यार हम लोग इस चीज़ को रोकेंगे। तो अभी फ़िलहाल एक केज का खबरी मुसीबत में और हमें उसे बचाना है। उसको बचाने के बाद हम लोग बहुत सारे यू नो ऐसे ही क्राइम स्टॉप करेंगे जब तक कि ये गैंग वॉर्स पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाते। अभी तक तो यही करना है हमें, आगे का कोई आइडिया नहीं है मुझे। चलो इस खबरी को बचा लें। Uncommon sense. This is the place. So many people though. Spider sense, do your thing. सबसे पहले उस खबरी को ढूंढना है अपन ने, हमारी स्पाइडी सेंस को यूज करते हुए। स्पाइडर सेंस हाइलाइट्स टारगेट्स। ओके, ये समझ गया मैं। तो जो ब्लू कलर का होगा वो हमारा खबरी है। Got the informant. Now where are the bad guys? वो रहे बुरे बंदे। There they are. तो जैसे ही हम लोग बुरे बंदों को मार रहे हैं, वेनम सूट तो बनता ही है भाई। अब मैं पकड़ ले। चलो all in one piece? Man, I owe you big time. Don't thank me. Thank Mr. Cage. तुम लोग देख सकते हो इन लोगों ने कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। हम लोगों ने स्पाइडरमैन PS4 खेला, माइल्स मोरालिस खेला और भाई वो सिटी को देख के ऐसा लगता है कि यार जान है उसमें। और उन लोगों ने यहाँ से शुरू किया था, मतलब तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार वो सब चीज़ें एकदम अचानक से बन चुकी है। इन लोगों ने बहुत सालों की मेहनत कंपाइल करके हमें वो गेम दिया है। तो देख सकते हो कि यार कोई भी चीज़ एक रात में नहीं बनती, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलो इस बंदे से मिल लें। Good job, Spidey. You really helped me out here. Hey, it's what heroes do, am I right? Hey, if you up for it, why not use that Spidey sense to find more of these gangsters out on the streets? Take them out before they cause any trouble. Sure thing.
Tell me about these thugs. What'd you have in mind? It's simple. Every time you take one of these dudes down, that's one less guy making trouble for everyone. Okay, you got it. Spidey, this gang war is putting innocent lives in danger. I know. These guys shoot first and aim later. Now you need to get the innocent bystanders out of the crossfire. Will do. तो अभी और 10 थग्स को मारना है अपन ने, उसको मार के मिलता हूँ तुमसे। चलो हम लोगों ने हमारे 10 गुंडों को मार दिया है, फिर से हमारे उस दोस्त से मिल लेते हैं। Way to expand your mind, Spidey. Now don't forget that spider sense will always give you the advantage. It has saved me countless times in the past. I've been watching you fight. You got tons of potential, but no skills. Wait a sec. You said before that I had unique skills. ये बंदा क्रेवन जैसे बात क्यों कर रहा है? मेरे को अभी थोड़ा सा डर लग रहा है। अगर तुम लोगों ने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 देखी रहेगी तो क्रेवन ने भी ऐसे ही अप्रोच किया था मुझे और एंड में उसने मेरे को ही अपना शिकार बना लिया था। तो थोड़ा सा सस्पिशियस हूँ मैं केज के बारे में, बट देखते हैं यार क्या होता है। I mean, you going toe to toe with everybody. With your speed, you should be coming in quick and getting out. How do you mean? I can train you if you're willing to learn. All right, let's do it. Okay, little dude, wait here. क्या बात कर रहा है, हम लोग इस बंदे से लड़ने वाले हैं? Now come at me from there, hard as you can. Okay. सिम्बियोट में स्विच हो सकता हूँ क्या मैं? Go. Oh yeah, सब मजा आने वाला है. You hear me, son? Oh sorry. Go for it. चलो इस बार कर देंगे अपन. Let's go. क्या तुम लोग भी वही चीज देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? तुम लोग अपने सामने वाली दीवार पे और नाम देखो रॉक्सॉन। और अगर तुम लोगों ने माइल्स मोरालेस देखी रहेगी तो उसका मेन विलन जो कंपनी होती है जो सब केओस क्रिएट करती है वो भी रॉक्सॉन थी। क्या ये कोइंसिडेंस है या फिर इन लोगों ने सच में वो स्टोरी को भी इसमें इंक्लूड किया है? आई नो कि यार ये सब कुछ कनेक्टेड है बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा डीप है और काइंड ऑफ माइंड ब्लोइंग है मेरे लिए कि यार हर जगह इन लोगों ने वो क्लूज बना के रखे हैं। मतलब हम लोगों को इतने सालों पहले ही पता चल गया था कि यार ये सब चीज़ें हो सकती है। Okay, you're doing good against me. Now go out and show me what you got. Come back when you master this. I'll teach you some more.